साल 2019 के ऑस्कर अवार्ड्स की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। भारत से बीते साल न्यूटन को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई और एक बार फिर से इस बार भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2019 में ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है, यानी कि इस बार की फिल्म का नॉमिनेशन कर दिया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी है ये फिल्म और क्या है इसमें खास। साल की तरह इस साल भी ऑस्कर अवार्ड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बॉलीवुड में भी इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में बनी, साथ ही रीजनल भाषा की फिल्में भी रेस में शामिल हैं। लेकिन तमाम बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ते हुए साल 2019 में जिस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिली है वो है असम की फिल्म विलेज रॉकस्टार। जी हाँ, विलेज रॉकस्टार को ऑस्कर 2019 में एंट्री मिल गई है और इस बात की घोषणा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी कर दी है। हम आपको बता दें कि सिनेमा में विशेष योगदान के लिए 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 में असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया था। इस फिल्म के जरिए असम की किसी फिल्म को करीब 28 साल बाद राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 19वें मामी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। अब तक 70 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है। इस दौरान इस फिल्म ने 44 पुरस्कार जीते हैं और भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए भनीता दास को कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म का डायरेक्शन रीमा दास ने किया है, जिन्हें इससे पहले 1987 में भी अवार्ड मिल चुका है। फिल्म की कहानी गुआ घाटी के निकट गरीब गांव के बच्चों पर आधारित है, जिसमें 10 साल की लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती भरे अंदाज में जिंदगी को जीती है। लेकिन इन नन्हे दोस्तों का सपना है अपना म्यूजिक बैंड बनाना और ये बच्चे गांव में आई प्राकृतिक आपदा का भी सामना करते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वैसे तो ऑस्कर 2019 की रेस में बढ़ने के लिए विलेज ऑफ रॉकस्टार को बॉलीवुड फिल्मों पद्मावती, अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन, वरुण धवन की अक्टूबर, विनोद कापड़ी की पीहू, आलिया की राजी, कड़वी हवा, नंदिता दास की मंटो, 102 नॉट आउट, अच्छी और गली गुलियां जैसी तमाम फिल्मों से मुकाबला करना पड़ा। हिंदी फिल्मों के अलावा रीजनल लैंग्वेज की फिल्में भी रेस में शामिल थी। जूरी ने उन फिल्मों को सिलेक्शन के लिए रखा जो 1 सितंबर 2017 से 31 अगस्त 2018 के बीच प्रदर्शित हुई हैं। हम आपको बता दें कि बीते साल राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की फिल्म न्यूटन ने भारत से ऑस्कर में एंट्री ली थी, लेकिन न्यूटन ऑस्कर नहीं जीत पाई। अब इस साल असम की विलेज रॉकस्टार की एंट्री बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तौर पर हुई है, जो 25 अप्रैल 2019 में ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब देखना यह है कि इस साल भारत की झोली में ऑस्कर आ पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24.